तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। और ये वीडियो भी है पाकिस्तानियों से रिलेटेड, लेकिन इस बार हम धोएंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अच्छे से। वैसे पहले भी होते रहे हैं, इस बार भी धोएंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, क्यों कि ये ही तो है कलेश की जड़। तो चलो शुरू करते हैं नागिन के टंक से। इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, हमारा मिशन ये होता है, मिशन पीस पे काम करते हैं हम, कि दोनों मुल्कों के दरमियान पॉजिटिविटी स्प्रेड की जाए, यहाँ के कंट्री के लोग वहाँ के कंट्री के लोगों के बारे में सही सोचें। मिशन पीस, घंटा मिशन पीस के बारे में। अभी ना तुम लोगों को पैसे मिलने बंद हो ना, तुम्हारा मिशन पीस ना सारा पीस ब्रेड सोपरा सब हो जाएगा मिनट से पहले। जैसे तुम्हारे एक्टर्स को आना बंद कर दिया था ना, तो कहीं वीना मलिक कौन सी खान है सबने, अरे कश्मीर ये कश्मीर वो, तब तक है। और तुम्हारा शाहिद अफरीदी जैसे जहर उगलना चालू कर दिया था उसने, तो तुम लोगों का बस ये ना, ये दो दो मुहा तुम्हारा, तुम लोगों का चेहरा ये। हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं उस पर हमें बहुत ही आसानी से चुप करा दिया गया। ये रेत पर लकीर खींचने की तरह है, जन्नत जल रही है और हम खामोशी से आंसू बहा रहे हैं। एक्ट्रेस मावरा होकेन ये बॉलीवुड फिल्म सनम तेरी कसम में नजर आई थी आपको, इन्हें UNHRC याद आ गए। ये मेंशन करते हुए मावरा ने ट्विटर पर लिखा, UNHRC कहाँ है, ये अमानवीय है, क्या हम इस अंधेरे में जी रहे हैं। मानव जीवन के लिए अनगिनत प्रदर्शन हुए, हमें उन सभी अधिकारों और नियमों के बारे में बताया जाता है जिन्हें हम किताबों में पढ़ते हैं, क्या उनका कोई मतलब है। सोशल मीडिया पर अक्सर छाई रहने वाली एक्ट्रेस वीना मलिक ने भी इस पर कमेंट किया, जो बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं, बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं आपको। इन्होंने एक वेबसाइट के लिंक को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, ऐसे समय में मुझे पाकिस्तानी इंडस्ट्री का हिस्सा होने पर गर्व महसूस हो रहा है। हमारे एक्टर्स आगे आए और एक ऐसे मुद्दे के खिलाफ आवाज़ उठाई जो इस समय अत्यंत चिंता का विषय है। सभी लोगों का एक साथ आना काफी सराहनीय है। हम तो क्योंकि मेरे खून में है और खून में क्यों है, क्योंकि आजाद कश्मीर के बड़ों ने मेरे दादा को अब्दुल बागी साहब पीर और बुटान शरीफ को 1949 में गाजी कश्मीर का लकब दिया है। तो इसलिए जहां तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे ना, वहां पे तुम्हारी असली औकात दिखती है। ट्विटर पे नहीं मिल रहे अगर तुम्हें, या तुम्हारा इंस्टाग्राम खैर मेरे ख्याल से हो गया मोनेटाइज, या फेसबुक नहीं हो गया है, तो वहां पे तुम्हारी ना असलियत दिखती है, वहां पे तुम्हारा जहर दिखता है। अगर तुम लोगों को इतना मिशन पीस होता ना, तो तुम ना आस पड़ोस को पहले सुधारते, अपने पड़ोसियों के आस पड़ोस को कहते ही नहीं बेटा ये गलत है, तुम अपने बच्चों को वही सिखाते हो, अपने बच्चों तक का सुधार, तुम अपनी ही घर में पहले सुधारी चीज आती हैं दूसरे घर में पहले जाने से पहले। तो ये मिशन पीस वीस ना तुम्हारा कुछ नहीं है, ये सब ढोंग है और ये हमारे पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें, हमारे तो थोड़े से इंडियंस जो होंगे कुछ ज़्यादा ही कबूतर उड़ा रहे हैं आजकल शांति के, कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेते हैं, तो इंडियंस भी वही कर रहे हैं भाई, चूतिया बन रहे हैं, कहीं किसी के हनी ट्रैप में आ रहे हैं तो किसी के शांति वाले ट्रैप में आ रहे हैं, मिशन पीस ट्रैप में आ रहे हैं, लेकिन आ जरूर रहे हैं। मैंने तो समझ में नहीं आता मुझे तो कौन सी गोली खिलाते हैं, एक महीने के महीने के अंदर इनके धड़ाधड़ जाते हैं सारे पाकिस्तानी के, और इंडियंस के कितने भी कंटेंट बना ले, कितने अच्छे से अच्छे डाल लें, लेकिन उनके नहीं आ सकते। और कितना भी इंडियन समझा लें, समझते हैं इंडियन चूतिया हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये लोग एक मौका देख रहे हैं कि जिससे बात करेंगे कि ये टारगेट करेंगे पर्टिकुलर एक धर्म को, वो मुस्लिम धर्म को। ये इसकी सुनो आरजू काजमी की बात हुई है, वो मुझे नहीं पता, मैं जब मैं लिखती हूँ जी गैंगस्टर, तो सब लोग मुझे इनबॉक्स आके बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि तुम कौन होती हो गैंगस्टर कहने वाली। तो उन लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जी ये मैंने न्यूज में देखा था और मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा था और इसलिए मैंने लिखा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग इतने भड़क क्यों रहे मेरे ऊपर। तो खैर अब कौन नहीं बोलेगा भाई, उसको उल्टा नहीं है 107 केसेस चल रहे थे उसके ऊपर, उसको धर्मात्मा बोलेंगे
और इसको किसने आके बोला भाई? इंडिया ने, कोई नॉर्मल पीपल उसको, कोई उसको ना ताजमहल नहीं, ताज गिफ्ट नहीं करेगा, उसको गुंडा ही बोलेंगे साले को। तो ये देखो इसका पर्टिकुलर, इसका मोटिव क्या है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एक धर्म को टारगेट कर रही है ताकि उनको भड़काए, ये दिखा दिया कि नहीं लोग तो वहाँ के कह रहे हैं वो गुंडा नहीं है, अच्छा इंसान था, इंडियंस कह रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, आप लोगों के ऊपर सोचने वाली बात है कि आप लोग क्या करना चाहते हो, और आप लोग अभी भी उस पर चल रहे हो तो भैया मिशन पीस पे चलो और अपने वेस्टर्न पीस करवाते जाओ। उसका बेटा टर्किश गन यूज़ कर रहा जो पाकिस्तान में मिलती है, लेकिन वो बड़ा अच्छा आदमी था। तो भैया इनकी मेंटेलिटी समझो, और नहीं समझते तो भैया क्या कर सकते हैं। जैसे ये आज रो रहे हैं पाकिस्तानी, हमारा भी एक टाइम ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ऐसी जहालत हमारे माइंड्स में भी आएंगी। खरबूजे को देख के, खरबूजा रंग बदलता है, डेफिनेटली सी बात है। पाकिस्तानी कहाँ बड़े अच्छे हैं, रूमिंग गैंग ये चलाते हैं, रेप ये करते हैं, और टारगेट ऐसे करते हैं नॉन मुस्लिम्स को, कोई मुस्लिम लड़कियाँ नहीं मिलेंगी, नॉन मुस्लिम को चलाते हैं, रेप करेंगे छोटी छोटी बच्चियों का, गोरियों का, सिख का, ईसाइयों का। तो भैया मैं एक चीज़ जानता हूँ, इनके दिमाग में कभी पीस वीस के नहीं आ सकते, और ये कहाँ मिलेंगे? सिर्फ बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, सिर्फ तीन, ये तीन कंट्री में मिलेंगे ऐसे ये जिहादी सोच वाले। हमारी कंट्री में भी हैं, बतेरे हैं, हम ही लोग सपोर्ट करते हैं। मैं तो कहता हूँ लात मारो सालों को, इनके मुंह पे इनको बोलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के उसके चक्कर में ना तुम लोग वो लिबरल और वो तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, भैया वो करना छोड़ दो, सच्चाई देखो। जिस दिन इनके अगर ना तुमने वीडियोस देखने बंद कर दिए या फिर इनके अनसब्सक्राइब कर दिए, ब्लॉक कर दिए उस दिन, और अगर गलती से इनके पैसे आने बंद हो गए तो इनकी सारी जहर उगलेंगे, ऐसे ऐसे जहर उगलेंगे, ऐसे ऐसे जहर उगलेंगे। तो जैसे ये वीना मलिक हो गई, वो माहिरा खान हो गई, शाहिद अफरीदी हो गया, तो बेटा समझ जाओ अभी भी मौका है। और अभी तो फिलहाल ये देख लो ISI का लिंक निकल गया इसका, तुम लोग कहते हैं नहीं नहीं ये कुछ नहीं करेगा। क्या ये मिशन पीस आपकी जानिब से नहीं है? क्या सिर्फ हमारा मिशन है ये? जी तुम्हारा कोई मिशन नहीं है, पहले ही बोल दिया था मैंने, कोई मिशन नहीं है। जिस दिन पैसे आने बंद हो गए ना, तुम्हारा ये मिशन पीस ना सारा वो वेस्टर्न पीस में बदल जाएगा। चलिए चूतिया बना रहा ना, बंद करो। हमारी पब्लिक इंडियन सुन लो भैया, क्यों अपने घर में खुद ही आग माचिस में आग लगाना चाहते हो? शांति पसंद नहीं आ रही क्या? शांति से रह रहे हो या फिर तुम्हें वही चाहिए? साला यहाँ ब्लास्ट, वहाँ ब्लास्ट, वहाँ मर रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं, वहाँ चित्रे उठ रहे हैं, वहाँ उठ रहे हैं, नहीं समझ में भी आ रही है बीबी? तुम लोगों को लग रहा पाकिस्तान ने सब कुछ बंद कर दिया है। जिस दिन हो गया ना, बॉर्डर खुल गया और इनका आना जाना हो गया, उस दिन तक तुम्हारी जिंदगी का झंडे कर देंगे। विश्वास नहीं है ना, तुम जरा जहाँ पे ये लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, UK में, US में, वहाँ पे देखो क्या करते हैं लोग, वहाँ के लोगों की जिंदगी का झंड कर रखी है। खासकर इंडियन जो हैंगे ना थोड़े जाहिल इंडिया में, वो उन पे थोड़ा शुक्र है, ये तो साले इतने जाहिल हैं हद से ज़्यादा। और सोच लो फिर तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारी बहन बेटियाँ और तुम्हारी बहुएँ भी सेफ नहीं होंगी। अगर ज़्यादा तुम्हें मिशन पीस कबूतर उड़ाना है तो उड़ाओ, आगे की अपनी जिंदगी फिर देख लेना कैसी होगी। एक कहावत बहुत बचपन से सुनी है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो डोंट यू थिंक सो कि दोनों जानिब से हो रहा है कुछ ना कुछ? लैंड मेरा दोनों जगह से हो रहा है, तुम्हारे यहाँ से होता है, हमारे यहाँ से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ से इतना फालतू टाइम नहीं है तुम लोगों के लिए कि हम ये सब करते फिरे। हम अपने सीधी सी बात है आगे आने वाले टाइम पे सोच रहे हैं, तुम्हारी तरह नहीं सोच रहे काफिरों को कैसे मारे, कैसे उनको मुस्लिम कर दें, हैं कैसे हिंदुओं की जिंदगी झंड करें और नॉन मुस्लिम की जिंदगी झंड करें। ये तुम लोगों की तरफ से होता है, तुम लोगों के दिमाग में ही है। तो ये ना एक तरफ से ये तुम्हारा एक तरफ ही है, हम लोगों का देख लो, ये तुम खुद लोग देख लो। तुम अपना अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है ना, तो अपना जो व्यूअर्स वो होता है ना तुम्हारा काउंटिंग कि कहाँ से कितने लोग देख रहे हैं, जरा वो शेयर करना। तो कंट्री को जो है हमने पॉजिटिव इमेज देना, ठीक है।
हमारे इंडिया के बारे में पता लग जाएगा कि किसके यहाँ से किसके यहाँ से नहीं है। तुम्हारी व्यूअरशिप 90%+ इंडिया की है, तुम्हारे 10% भी मुश्किल से, मुझे नहीं लगता 10% भी पाकिस्तानी होंगे। तुम करके देख लो, तुम्हारी जिद्दी ढंड करना चालू कर देते हैं, काफिर बना देते हैं, इंडियन फंडिंग वाला तुम्हारे बोल देते हैं इंडियन फंड कर रहा है तुम लोगों का। अभी सुना देता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारा कोई हैगा वो मिनिस्टर, उसने बोल दिया इंडिया फंड कर रहा है इनको। तो ये ना चूरन बंद करो, बाबा बंगाली का चूरन खा रहे हो आजकल लग रहा है मुझे। लाहौरी चूरन हमें मत खिलाओ, बाबा बंगाली का चूरन खुद खाओ और खुद कुछ करो, यहाँ आने की मत सोचो भैया, हमें नहीं पसंद तुम आओ ठीक है। अरे जिस दिन तुम्हारा ये बक्सोदी बंद हो जाए ना बता देना। तो मुझे ये बताएं कि लिया था पाकिस्तान, चले मान लेते हैं एक वक्त में उनका वो सोच थी, उन्होंने ले लिया कर लिया, जिन्होंने लिया, जिन्होंने जंगें की, जिन्होंने फसाद किए, जिन्होंने अमन का सोचा, जिन्होंने एक टू नेशन थ्योरी बनाई, वो तमाम लोग तो गुजर गए, अपनी जिंदगी अच्छी भली बुरी जैसी भी हुई वो गुजार के चले गए। मगर उसके बाद आने वाली हर नस्ल का क्या कसूर है कि वो अपने साथ वाले मुल्क जिससे इतने फायदे ले सकती है, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं हो सकता, दोनों मुल्क। नो डाउट इंडिया 2014 के बाद अगर हम देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, मगर उससे पहले या अभी तक भी इवन दोनों मुल्क अगर साथ हों तो बहुत सारे जो है फायदे हो सकते हैं। जो लोग गुजर गए टू नेशन थ्योरी वाले गुजर गए, उन्होंने आग लगाई थी और ठीक है तुम्हारे जो भी थे वो अभी भी आग लगी पड़ी है। जो गुजर गए ना और अभी की गलती बता देता हूँ मैं तुम्हारे, अभी की जनरेशन की दिमाग में क्या चलता है ये देख लो खुद भी। इंडिया के बारे में सुनते हैं या इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, उनसे लड़ाई करे, गुस्सा आता है। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े, हम मुसलमान है, हमारा जज्बा ही नहीं है, हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। इनको रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर ना रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ठीक है, लेकिन तुम लोग इस पे काम करते ही, अभी तुम्हारा रिसेंटली अभी तुम्हारी कोई न्यूज आई है, अभी पता नहीं तुम्हारे अखबार में, तुम पाकिस्तानी हो, सुन लो, इंडिया हिंदुओं के खिलाफ उसके अंदर वो बढ़ा दिया गया है, हेट रेट और बढ़ा दी गई है। तो ये ना शांति का कबूतर उड़ाना, ये चूरन हमें मत खिलाओ। और उन लोगों ने आग लगाई थी अच्छी खासी, और स्टार्टिंग भी वहीं से हुई थी, जो वहां से इंडिया आ रहे थे उन लोगों को काटा गया इतनी बुरी तरह से, क्योंकि स्टार्टिंग तुम्हारे जाहिल जन्ना ने लगाई थी। जरा कब्र से निकाल के उसकी हड्डियों के ढांचे से पूछो क्या करा था उसने, क्यों करा था, वही जहर उसने पैदा करा था, वही जहर तुम लोगों की नसों में दौड़ रहा है जहर वाला। इसलिए जहां भी जाते हो तुम लोग जहर उगलते हो, किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ पाकिस्तानी जहर ही उगलते हो। तुम अपने जैसे ब्रदर मुल्क कहते हो टर्की को, वहां पे तुम लोग उनको नहीं छोड़ते बिरादर मुल्क को, वहां तुम लोग गंद मचाते हो, चाइना को नहीं तुमने छोड़ा। तो भैया ये ना मिशन पीस पीस का ना तुम अपना अपने पास रखो, नहीं चाहिए हमें, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, झाट का बाल सीधा हो सकता है लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं हो सकता, कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं हो सकता। ये फैक्ट है और ये सच्चाई है, ये कभी नहीं मिटेगी। जिस दिन पाकिस्तान मिटेगा उस दिन ये चीज मिटेगी। पाकिस्तान की इंडस्ट्री से कितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस सिंगर्स जो हैं वो हिंदुस्तान गए, और हिंदुस्तान से कितने यहाँ आ सकते थे जो कि नहीं आए। यूट्यूबर्स, अब हम लोग लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर यही हमारे रास्ते बहाल होते तो हम लोग विजिट भी करना चाहते, और इसमें कोई बुराई नहीं। अगर हम दुबई और डिफरेंट और कंट्रीज इतना पैसा लगा के यूके यूएस से विजिट करते हैं तो वाई नॉट इंडिया, इंडिया तो बिल्कुल लेबर में है। तो यही सारी चीज़ें हैं, मैं हमेशा बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे जर्नलिस्ट से ये सवाल ज़रूर करती हूँ कि हम उस चीज़ को अब आके ख़त्म क्यों नहीं कर सकते, जिनकी बेस, जिन्होंने बुनियादें रखी, हम उन बुनियादों को जो है, अब वो बुनियादें हमें ये सोचना चाहिए कि वो वीक हो चुकी हैं, अब हमें कोई स्ट्रॉन्ग इमारत तैयार करनी है और उसकी मज़बूत बुनियाद रखनी है। 75 साल कम अरसा नहीं है कहने की बात है, इतना लंबा अरसा हो गया, तो अब डोंट यू थिंक सो वी शुड गो फॉर समथिंग चेंज? चेंज हो गया क्या नहीं, तुम्हारी जो वीना मलिक और माहिरा खान जैसी थी, जब तक वो इंडिया में इनको नौकरियां मिल रही थी खाने पीने के लिए,
तब तो बड़े अच्छे बड़े अच्छे हैं, जिस दिन से बंद हो गया उस दिन से छाती पीटने लग गए वहाँ पे, कभी कुछ कभी कुछ। और भैया तुम्हें आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तुम लोगों को आने का यहाँ मतलब समझ सकता हूँ, साले यहाँ आके फटोगे तुम लोग, तो कोई आना जाना कुछ नहीं चाहिए हमें, तुम लोगों के अंदर जो जहर है ना दिमाग में नहीं चाहिए हमें, तुम लोग जहाँ मर्जी जाओ लेकिन यहाँ मत आओ, क्योंकि जहाँ भी जाते हो तुम लोग गंद फैलाते हो, तुम लोग हो गंद, और जिसे कहते हैं ना सुअर से भी बदतर, सुअर से भी बदतर हो तुम, कहते हैं ना वो जंगली सुअर से ही बदतर हो तुम लोग, जहाँ जाओगे गंद फैलाओगे। तो हमें यहाँ वहाँ आने की जो ना हमें जरूरत नहीं है, मत आओ, और कोई हमें फ़ायदा तुमसे नहीं लेना भैया। तुम लोग को जिस दिन यहाँ का रास्ता खोल दिया गया ना कि यहाँ आना चालू कर दो, तुम लोग ऐसा गंद मचाओगे, ऐसा गंद मचाओगे ना कि इंडिया वो बन जाएगा पाकिस्तान से बदतर, क्योंकि इतना गंद है पाकिस्तान में। और यहाँ इंडिया के अंदर कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करेंगे, चोर चोर मोसेरे भाई दोनों मिलके गंद मचाएंगे फिर, तो भैया नहीं आना, कोई ज़रूरत नहीं आने की यहाँ पे, ठीक है, और हमें कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, जो जैसा है बंद रखो। मेरा बस लेना, मैं 100-100 फीट की दीवारें खड़ी करवा दूँ बॉर्डर्स पे, झांकने भी ना दूँ, कोई आना जाना नहीं साला, इतनी मोटी मोटी दीवारें खड़ी करवा दो ताकि उसको बंदा टक्कर नहीं मारे ना, तब भी खुले ना साली दीवारों। कि सिंध में कन्वेयन होती है और इस तरह जिस तरह आपको सिंध की अपडेट्स दी जाती हैं, इसी तरह यहाँ पे जिस पाकिस्तानी से आप बात करें उनको कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है। अब मैं अगला सवाल आपसे करूंगी, अभी आप जम्मू घूम कर आए हैं, जम्मू कश्मीर, तो आप मुझे बताएं यहाँ के मुसलमानों की जो सोच है कि कश्मीरियों पर जुल्म होता है, मुसलमानों को मारा जाता है, मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाता, वो तमाम सच्चाई यहाँ के लोग उसको सच समझते हैं, वो तमाम उनके माइंड सेट्स हैं, जैसे आपके सिंध को लेकर है, जब आप लोग उनको गलत कह सकते हो क्योंकि आप लोग वहां रहते हो, इसी तरह हम भी बताना चाहते हैं कि हैं चीजें हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने देखी सुनी वो सही है, लेकिन अगर इतनी चीज को इतना दिखाया जा रहा है, जैसे वहां पे भी होता होगा गलत, कुछ इलाके होंगे जिनमें मुसलमानों को उस तरीके से फ्रीडम नहीं दिया जाता होगा। हाँ, कश्मीर में कौन से भाई कश्मीर में होता है, और किसको मस्जिदों में नहीं आने दिया था, किसको मतलब अपनी अपने वो जो भी आएंगे मतलब धर्म के खिलाफ उनको नहीं करा जाता, मतलब धर्म के खिलाफ करा जाता है, कौन सा है? और तुम्हारे सिंध की बात है, तुम्हारे सिंध में इतना ही होता है जितना बताया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा होता है, और तुम्हारे ही बंदे बोलते हैं, हम नहीं बोलते कि वहाँ पे स्पेशली हिंदुओं की बच्ची को 10 साल की 12 साल की बच्ची को उठाया जाता है। तो ये ना चूरन हमें मत खिलाओ कि यहाँ से मतलब इंडियंस में भी ऐसा दिखाया जाता है, बेटा तुम लोग दिखाते हो हमेशा, वो तुम्हारी वो फिजा अकबर खान, पता नहीं अकबर की पोती है क्या है, बुआ की लड़की है पता नहीं उसके, अपने आप को डॉक्टर कहती है, पता नहीं कौन सी डॉक्टर, बवासीर की है या फिर गुप्तरुख की है, हमेशा चिल्लाती रहती है। और तुम्हारा हर कोई पैनलिस्ट वो साला लाल टोपी भी हमेशा गंद। अब तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऐसा टट्टे वाले चश्मे पहनते हो तुम लोग, सिर्फ वही दिखता है तुम्हें। तो तुम इंडिया की बात करना छोड़ दो, तो अपना सोचो, यहाँ छोड़ दो बात करना, मेरा बस लेना, तुम सबको यहाँ से वहाँ, यहाँ की चीज़ें वहाँ बैन करा दूँ, वहाँ की चीज़ें यहाँ बैन कर दूँ, बंद करवा दूँ साला, पूरी दुनिया में यहाँ की खबरें जाएँ लेकिन पाकिस्तान में ना आए, ना पाकिस्तान की यहाँ आए, क्योंकि तुम लोगों की वजह से यहाँ के लोग भी खराब हो रहे हैं, यहाँ भी फैल रहा है इन लोगों के अंदर भी जहालत, ऐसी जहालत फैल रही है धीरे धीरे कि अपनी सिक्योरिटी ब्रीच करने पे लगे पड़े बंदे। एक बंदा वीडियो कॉल पे कह रहा कि यहाँ पे ना वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा प्राउड फील करके बता रहा था चूतिया। और एक तो पूरी मेट्रो दिखा रहा है, ये मेट्रो स्टेशन है, ये है, बल्कि वहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ वीडियोग्राफी करना मना है। उसके बाद भी तो जहालत तुम लोगों की यहाँ आ रही है, मैं तो चाहता तुम लोगों को बिल्कुल बैन कर दिया जाए, सच में बैन कर दिया जाए, ना तुम लोग यहाँ आओ ना यहाँ के लोग वहाँ जाएं, तुम लोगों की परछाई भी हमें ना वो कहते हैं नापाक कर देती है। तो भैया
डोंट कम हियर, गो एवरीवेयर। और मेरे अभी तक के जितने पॉडकास्ट हुए हैं उसमें 90% कश्मीरी लोग थे जो कि कश्मीर के हर इलाके से बिलोंग करते थे। एक भी बंदे ने मुझे नेगेटिव रिव्यू नहीं किया, हर बंदा बहुत पॉजिटिव बोला कश्मीर को लेके। तो मैं तो इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकती। और वो मुस्लिम्स थे, ऐसा नहीं था कि वो नॉन मुस्लिम, सब मुस्लिम लोग थे। तो मुसलमान हो के वो अपने जो है ना, इतने तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो आके झूठ बोलेंगे। तो मैं एग्री करती हूँ इस बात को, वहाँ नहीं हो रहा जुल्म। लेकिन ये बात अब इस प्लेटफॉर्म पे लोगों तक पहुँचाने में एक जनरेशन गैप लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पे लगेगा यहाँ की रियलिटीज। तो इसमें हमारा मीडिया और हमारे पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये थी एक साइड की कहानी। बहुत गैप नहीं है, तुम पहले ना अपनी जो कहते हैं ना बेस क्या होता है, स्टडी, जो किताबें होती हैं, तुम लोग जब वहीं पे गंद फैला रहे हो तो आगे जाके वो गंद फैलेगा फैलेगा। तो ये ना ये वीडियो के थ्रू ना तुम लोगों का बस खाली ऊपर ऊपर चेहरा है। जिस दिन बंद पैसे बंद, उस दिन तुम्हारी असली औकात बाहर, तुम तना करके निकल के आओगे तुम सारे, छातियाँ पीटोगे, छातियों पर सांप लौटेगा तुम लोगों के, फिर ऐसे चिल्लाओगे ना कि जैसे जैसे बिलावल भुट्टो अपनी गांड में उंगली करके चिल्लाता है। ऐसे चिल्लाओगे तुम सारे जैसे पिछवाड़े के पीछे, अब तुम्हारे पिछवाड़े पे जैसे मिसाइल लगी हो, शेर भी नहीं वैसे, शेर तो तुम्हारे यहाँ पे चिड़िया करके ऐसा लगा कुपोषण का शिकार हो गया बेचारा, इतना कमजोर है वो। तो ये चूतिया का चूरन मत खिलाओ इंडियंस को, इंडियन तो खा ही रहे हैं भाई, कितना समझा लो इनका फिर भी धड़ाधड़ धड़ाधड़, अरे भैया ये भैया वो, जो समझ नहीं आता। नेवर माइंड, आगे चलते हैं। इनकी बेइज्जती अब समाप्त हो चुकी है, अब इनकी और बेइज्जतियों के बारे में बात करता हूँ। देखो अभी ना इनकी एक यूट्यूबर थी, उसने क्लियरली पता क्या बोला पूछने से पहले उससे, कि ना कुछ गलत मत बोलना, इंडिया की तारीफ करना, क्योंकि हमारे ना ज़्यादातर ऑडियंस ना इंडियन की होती है। कंट्री को जो है हमने पॉजिटिव इमेज दिया, ठीक है, हमारे इंडिया के बारे में पॉजिटिव इमेज हमारी ऑडियंस की गलत है। अच्छा, इसको कट कर दूंगी। क्यों यार, अच्छा इंडिया के बारे में गलत नहीं बोलना, हमारी ऑडियंस 100% इंडियन है। स्टार्ट। तो आप समझ सकते हो इनके रिएक्शन भी फेक हैं, इनकी ये चीज़ें भी फेक हैं, इनकी रियलिटी क्या होती है वो भी दिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो भैया हम क्या कह रहे थे कि समझो यार, आप भी समझो, लेकिन ये हराम पंथी मत करो। इन मेकअप वाली शक्लों को देख के पिघल जाते हो, अरे फिर पिघल गया, बस शक्लौंडे बन जाओ थोड़े से। एंजोलिया में यार इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ हैं, इतनी सारी लड़कियाँ अच्छी अच्छी, कितनी प्यारी प्यारी उनकी आँखें हैं, हैं वहाँ तुम नहीं पढ़ोगे, वहाँ तुम्हारी गांड फटती है, वहाँ तुम्हारी इसलिए गांड फटती है ना कि वो तुम्हें चपेड़े मार देगी, उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो पाकिस्तानी कुछ बोलेगी नहीं तुम्हें, वहाँ से चपेड़े मारने तो आएगी नहीं, है ना। अगर तुम्हें यार करना है तो भाई इंडियन लड़कियाँ बहुत हैं यार, बहुत अच्छी हैं, समझदार हैं। तो भैया इंडियन बहुत सारे हैं यार, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, जिनको मतलब वो उस टाइप वाले बंदे हैं ना, वो भी बहुत सारे हैं, और जो इस टाइप वाले बंदे हैं वो उनके लिए तो बहुत तेरे मिल जाएंगे यार। तो इनके चक्कर में 2-4-10 के चक्कर में मत पड़ो, कहते ना औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर पड़ो यार, औरत के चक्कर में मत पड़ो, या फिर इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत पड़ो, क्योंकि अगर ठरक जगा तो ठरक भी मत जगाओ, क्योंकि तुम्हारी ठरक के चक्कर में अपने ही सत्यानाश करवा लोगे, किसी दिन अपनी चूतिया काटोगे, तगड़े वाला काटोगे। एक तो पता नहीं कोई यूट्यूबर थी कह रही, मैंने मेरे तो पर्सनल नंबर दे रखे, मैंने इसकी भैंस की आँख से पर्सनल नंबर अपना दे रखा पाकिस्तान का, मैंने अगर जो बंदा इससे बात करेगा उस नंबर पर तो सोचो अगर कल को कोई सीन सान हुआ तो उसका क्या होगा, तू तो पाकिस्तान से बात करता था, जो कटेगा उसका तो भाई साहब, जो उसके पिछवाड़े में फिर तो जो लाल मिर्च लगा के डंडा दिया जाएगा, फिर पुलिस वाले तो ऐसे देंगे एनआईए वाले, हैं क्या बात है भाई साहब, मतलब महान हो भाई यार तुम सारे, तो महान हो, मतलब इसके पीछे तुमने अपना नंबर तक शेयर कर लिए हैं, कमाल हो यार तुम सारे। तो मेरे को तो लगता था फैंस इंडियन बड़े समझदार हैं, लेकिन ये तो इनको देख देख के खुद चूतिया बनते जा रहे हैं अब तो, वो भी थोड़े बहुत नहीं हद से ज़्यादा। तुम्हें पता है कि पाकिस्तान सिर्फ टेररिस्ट बना सकता है,
वहाँ से सिर्फ टेररिस्ट निकलते हैं, फिर भी मतलब तुम्हें पता है कि वहाँ से आने वाली कॉल हमारे लिए थ्रेट है, उसके बाद भी तुम लोग साला वही काम कर रहे हो भाई। मैंने एक वीडियो में कहा था ना कि पीठ पीछे कुछ भी कर रहे होंगे, पीठ पीछे हमें घंटा नहीं पता लगेगा, तो ये पीठ पीछे वाला है भाई। बाकी आप लोग क्या कहते हो इस वीडियो पे, तब तक के लिए बताओ मुझे भी, और तब तक के लिए भाई चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।